हेलो गाइस, जय हिंद। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने टोटल 16 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा है सेट नंबर 17। इसका मतलब हमने 17 सेट रीजनिंग में कंप्लीट कर रहे हैं, मैथ में 17वां सेट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी रीजनिंग की क्लास होती है ना, वो होती है 8 बजे, सॉरी रीजनिंग की क्लास होती है 7 बजे और मैथ की क्लास होती है 8 बजे। इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई सा भी डाउट आए क्लास में या कोई क्वेश्चन में, तो आप लोग हमसे यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास पे और देखते हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि ये पेपर कब आया था, तो जब भी हमने रीजनिंग का किया ना, उसी सेट में जो मैथ पूछी गई थी ना, हम लोग अब उसका करेंगे। यहाँ पर पेपर की बात करें तो 22/11/2021 को ये पेपर हुआ था, 4 से 5:30 के बीच में, कांस्टेबल जीडी 2021 आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो, ठीक है ना। अभी तक 2021 तक की यदि मैं बात करूँ, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है और आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे और यही सारे इस पर जितने टाइप पूछे गए ना 2021 में, यही सारे टाइप आने हैं। तो यदि आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हो, सारे सेट लगा डालते हो, तो फिर आपको एक भी नंबर की दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, क्लियर है ना। तो चलते हैं अपने आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है कि 980 की एक धनराशि को, अच्छा ये वाला क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो आपने पिछले सेट में सेम ऐसा किया हुआ है, ठीक है ना, वैसे आ जाना चाहिए आप। पढ़ो, 980 की एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी के हिस्से का 3/7। हम यहाँ पर अनुपात बना लेते हैं ए बी और सी। यहाँ पर कह रहा है कि ए को बी के हिस्से का 3/7, अगर बी को 7 मिल रहा है तो ए का कितना भाग कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। आगे है सी को ए के हिस्से का 75% मिला, यदि ए को 3 हिस्सा मिला तो 3 का 75% किसको मिला, सी को, तो सी का कितना हो जाएगा 3 का 75%, तो 75/100। यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100 आएगा, 3 * 9/4 और अनुपात कभी बटे में होते नहीं है, तो पूरे में क्या करो 4 का गुणा कर दो, तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा। चलो पूरे में 4 का गुणा करते हैं अपने मन से, ठीक है, जितना बटे में होता है हम लोग एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 * 3 = 12 हो जाएगा, 7 * 4 = 28 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, 3 * 3 = कितना आएगा, केवल 9, इतना अनुपात आ गया। ये बटा है 980 रुपये, ठीक है ना, तो इसको जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 49। 49 की वैल्यू कितनी दी गई है, 980। क्या पूछा जा रहा है, सी को कितना रुपया मिला या सी का हिस्सा ज्ञात करना, में सी का हिस्सा कितना है 9, तो आपको 9 की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है, 9 की ज्ञात कर लो। यहाँ से ये कट जाएगा 49 * 2 = 98, तो 20 आ जाएगा और 20 * 9 हम लोग करेंगे तो 9 * 2 = 18, यहाँ से 180 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 6 संख्याएं ए बी सी डी ई और एफ में से पहली 5 संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत अंतिम 5 संख्याओं बी सी डी ई एफ के औसत से 26 अधिक है, ठीक है। हम ये बात करें कि शुरुआत की 5 संख्याओं और अंतिम 5 संख्याओं का जो अंतर आ रहा है ना, वो 26 आ रहा है। तो यदि इनका अंतर देखूं मैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 माइनस बी सी डी ई एफ, ठीक है, इनको ऐड करोगे बटे 5 करोगे, कितना आएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब देखो बी प्लस में माइनस में कट जाएगा, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा ना, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ए बी सी डी और ई। अच्छा देखो जब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब माइनस में हो जाएंगे, कितना होगा बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ बराबर, ये एलसीएम लेने के बाद 26 के पास आएगा, तो 26 * 5 होता है 130 हो गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ई से डी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आएगा क्या ए माइनस एफ, अंतर ही पूछ रहा है कितना दे रहा है, 130। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना, जहाँ पाई का मान आपको 22/7 रखना है। चलो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH, ये होता है 2πRH, इसकी वैल्यू दी गई है 176,
ठीक है, ये हाइट कितना है 14 है ना, तो यहाँ से आर का मान हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा 176 बटे ये 2 पाई, और एच नीचे आएगा ना, एच की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 बटे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन 2 भी आएगा, और आर यहाँ पर सॉरी पाई आएगा, तो पाई का मान हम लोग रख देते हैं 22/7 बटे 7 यहाँ रख दो। क्लियर है इतनी बात? देखो 7 दूनी 14, अब यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 88 दूनी होता है 176, तो ये दो बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या पूछा जा रहा है? आधार का क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आधार तो ऐसे ही होता है ना, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 22 चौके 88 हो गया, 88/7 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहाँ पर है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक 13 है, सॉरी एचसीएफ का 13 गुना है, जो एलसीएम दिया गया है एलसीएम बराबर 13 गुना ऑफ एचसीएफ, ये दिया गया। अगर मैं एचसीएफ को इसके बटे में ले आऊँ तो बटे एचसीएफ आएगा, और इसके बटे में कितना हो जाएगा 1, तो एलसीएम बटे एचसीएफ का मान कितना आ गया 13/1 आ गया, कितना आ गया 13/1 आ गया यहाँ से, मतलब ये अनुपात आया, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, तो 13/1 कितना हो गया 14, 14 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 252 दे रखी है। क्या पूछ रहा है? उनमें से एक संख्या 54 दिया गया, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलो यहाँ से एक का मान कितना आएगा, एक का मान कितना आएगा, देखो 14 एकन्नम में 14, और 4 8 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक का मान कितना आ गया 18। तो अच्छा ये दूसरी संख्या में ज्ञात करनी, एक संख्या 24 दे रखी है, तो फार्मूला आपको पता होगा कि a इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये होता है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 18 हो जाएगी, ठीक है ना, बटे में एक संख्या कितना है 54, एक का मान 54 है, तो बी का मान पूछ रहा है, सीधा सीधा कट कर दो, कितना हो जाएगा 18 × 54 और 30 × 18, ठीक है ना, और 13 × 6 = 78, तो 78 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है कि एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया, उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस वस्तु पर लगा दिया, ठीक है, वस्तु को बेचने समय उसने 40% की छूट दे दी, तो ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले। तो देखो एक व्यक्ति था, उसने 100 रुपए की मान लो कोई वस्तु बनाई और उस पर 145 रुपए निर्धारित कर दिया। अब वो क्या करता है कि जब बेच रहा होता है तो उसने 40% की छूट दे दी, मतलब 145 की वस्तु को 60% पर इसने बेच दिया, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, अच्छा इसको गुणा कर लो, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 4 24, 3 27 की 7 हासिल 2, 6 9 में 6 2 8 बटे 10 आएगा, तो 0 0 कट जाएगा। 100 की सामान को 87 में बेच रहा है, बताओ फ़ायदा होगा कि मुनाफा होगा, इसमें फ़ायदा होगा कि घाटा होगा, क्योंकि फ़ायदा मुनाफा तो एक ही बढ़ रहे हैं, चलो फ़ायदा होगा घाटा होगा, 100 की सामान 87 में बिके सर, 13 रुपये कम में बिके, तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखो एक पाइप ए बी और सी, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, सही है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कुल टाइम कितना लगेगा। देखो ए टैंक को भर देता है 10 घंटे में, बी भर देता है 15 घंटे में, सी भर देता है 18 घंटे में, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल पानी कितना भरना है, इसका एलसीएम ले लो 18, यदि यहाँ पर है कितना ले 90 ले लें, अगर ए 10 घंटे में पूरा पानी भर देता है तो 90 लीटर पानी भरने में कितना, मतलब एक घंटे में कितना पानी भरेगा, 10 × 90 मतलब 9 लीटर, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूँ तो ये एक घंटे में 6 लीटर, और सी की बात करूँ तो 18 × 95 एक घंटे में 5 लीटर, ठीक है ना। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, एक घंटे में कितना भरता है 9, सी कितना भरता है 5, तो 9 × 5 कितना हो गया 14, ये कितने घंटे के लिए खुले 5 घंटे के लिए, 14 × 5 कितना हो गया 70, मतलब 70 लीटर पानी भर गया, बचा कितना पानी 20 लीटर पानी बचा। अब कौन भर रहा है, बी को सी के साथ खोला जा रहा है, अब ए बंद हो गया, बी को सी के साथ खोला जाएगा, 6 × 5 कितना हो गया 11,
तो 20 लीटर पानी 11 के हिसाब से भरेंगे कितना टाइम लगेगा, तो 5 घंटे तो इधर लग गए थे, 11 × 9 = 11, 1 घंटे और लग जाएंगे, 9/20 कितना हो गया, 5 × 6 सही, 9/ ये 11 है ना, 11/11 तो 11/11 हो जाएगा, 9/11 ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सेकेंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 92/61 है। देखो 5% का वार्षिक ब्याज है, फ्रैक्शन वैल्यू देख लूँ तो 5/100 हो जाएगा, 5/100 का मतलब होता है 1/20, इसको 20 में से कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का, 20 रुपये में है तो 20 रुपये अगर मूलधन है उसको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 रुपये हो जाएगा। ये है 3 वर्ष का, जितने वर्ष का कहे आप लोग इतनी उतनी पावर यहाँ पर लगा दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा मूलधन, यहाँ से क्या निकल के आएगा मिश्रधन, हमने 20 का क्यूब किया तो ये हो गया 8000, 21 का क्यूब किया तो ये हो गया 92/61, कितना हो गया 92/61, और इसको मिश्रधन कितना मिला था 92/61 ही मिला था, मतलब मूलधन कितना है 8000 रुपये, ये है 8000 रुपये, तो 8000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 × 12 = 15/4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 15/4 वर्ष लगा दिया और 5% है, तो 5% को आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/20, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 से 8 कट गया कितना हो गया 100, तो ये आंसर कितना आएगा अपना 1500, तो 1500 अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इस पे है कि 72/16/3, चलो सॉल्व करोगे करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ऑफ सॉल्व करना होता है, लेकिन यदि आप इनको पार्ट बाई पार्ट पे डिवाइड कर दो तो जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन लगा है वहीं से आप लोग पार्ट को ब्रेक कर दो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हमें एक माइनस मिल गया ना तो हम इस पार्ट को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा यहाँ तक का, तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48, तो यहाँ पर कितना आएगा 72/48 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले, तो 23 − 37 कितना हो जाएगा, 7 से 3 जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा सर 14 आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये ऑफ लगा हुआ है तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा 24, तो ये 28/24 लिख सकते हैं हम लोग, 28/24, यहाँ माइनस का साइन है ध्यान देना, 28/6 = 24 लिख सकते हैं माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखो गुणा और भाग है, ये 20/7 हो जाएगा, सिंपल से 20/7 गुणे में कितना है 14 है, माइनस का कितना हो जाएगा 41, और ये 2 × 2 = 2, 1/3/2 लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको काट लो, 24 × 3 = 72 / 24 × 2 = 48, तो कितना आ गया पहले 3/2 माइनस, ये 7 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 × 4 = 24, 4 × 7 = 28 कट गया, 7 × 2 = 14 ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 7/6 माइनस का, ये 7 × 2 = 14 कटा था ना 2 बार में, तो 20 × 2 = 40 हो जाएगा माइनस 41 इंटू में कितना आएगा 3/2, यहाँ से आया 3/2 माइनस का, ये हो जाएगा 7/6, ठीक है ना, ये माइनस का 41 है, ठीक है, ये कितना था माइनस का 41 था और यहाँ से आया था माइनस का 14, ध्यान देना माइनस का 14, तो ये वाला तो देखो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 40 से 41 घटाएंगे तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 40 से 41 घटा दो तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का वन मिलेगा, और यहाँ पर कितना है 3/2 है, कितना है 3/2 है ना। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का, इसको अंदर गुणा कर लो चाहे तो 7³ कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर लो 7³ / 12, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3/2, सॉल्व कर लो, देखो 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे हम लोग 4 आएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 3 कितना हो गया 6, 4 × 1 = 4, 1 गया तो माइनस का 7 आएगा ना, 3 × 2 = 4, 3 × 2 = 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 से कितना हो गया 12, 12 से 7 घटा दो कितना आएगा 5/4, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है,
यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 328, 451 और 697 का एस सी एफ एक्स है तो एक्स का मान कितना होगा। पहली बात तो इसको बेसिक से नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक काम करो, इसके बीच का अंतर निकाल लो, 451 और 328 के बीच का अंतर निकाल लो। तो 11 से 8 जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा, ये 123 आएगा। क्या 123 328 को डिवाइड कर देगा क्या? देखो करेगा क्या? नहीं करेगा सर, बिल्कुल नहीं करेगा। 12 3 36 होता है सर, 366 होता तो कर देता, नहीं करेगा ना। 451 को हो सकता है करें, 697 को हो सकता है करें, उससे मतलब नहीं। जब एक को नहीं कर रहा तो ये सेफ होगा नहीं। अब हम इसका क्या 1/2 कर सकते हैं क्या? सर 1/2 करेंगे दशमलव में आएगा, फिर भी नहीं कटेगा। एक काम करते हैं 1/3 कर देते हैं इसको, कितना 1/3। तो एक फैक्टर तो अपना 3 आएगा, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, 3 × 12 3 × 9 कितना आ गया 41। अब देखो 41 से ये भी संख्या कटेगी, ये भी संख्या कटेगी और ये भी संख्या कटेगी, तो बड़ा क्या 41 आया ना। तो 41 हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ किसके बीच में आएगा, 40 और 44 के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना नवा क्वेश्चन जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है कि विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण लिया, ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान के बराबर। जितनी दर है, मतलब जैसे दर 2% है तो टाइम भी 2 वर्ष का है, जैसे दर 3% है तो टाइम भी 3 वर्ष का, ऐसे करके दिया गया, ठीक है ना। उसे ब्याज के रूप में 5832 की धनराशि का भुगतान करना पड़ा, ब्याज की दर ज्ञात करने। देखो 5832 का भुगतान करना पड़ा है, मूलधन कितने में से 7200 में से, ठीक है, बराबर बटे में इसमें कितना होता है 100 होता है, और रेट और टाइम सेम है, तो हमने रेट को एक्स मान लिया, टाइम को भी एक्स मान लिया, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर। देखो ना यही तो होता है PRT/100। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ने क्या किया, पी को इधर ले आए हैं, SI/P, RT हमने यहाँ लिखा, 100 यहाँ लिख दिया, क्लियर है ना ये बात। हाँ तो 2 0 से 2 0 कट गए, इसको कट कर लो, 8 × 9 = 72, 8 से 1 कट हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 2 = 23 हो गया, 8 × 2 = 16 और 8 × 9 = 72, इतना हो गया, 9 से और कट कर लो, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, कितना आ गया 81। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो एक्स का मान सबको पता है 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसमें है कि गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपये में 2.5 किलो अधिक गेहूँ खरीद पाता है, तो आरंभ में व्यक्ति कितने किलोग्राम गेहूँ खरीद पाता था। देखो 12.5% है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12 से 1/2 करोगे कितना आएगा 1/8 आएगा, परसेंटेज अगर लगा लोगे तो। 8 में से कितना रुपए कमी हुआ है, 8 में से मतलब पहले 8 रुपए मिल रहा था, अब कितने मिल रहा है 7 रुपए, मतलब 7 में मिल रहा है। ये है इसका क्या मनी है या पैसा है या रेट है, और अब क्या हो रहा है जो इसका प्रोडक्ट हो रहा है, अगर ये इतना कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 7:8 में मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसमें कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, तो एक ज़्यादा में कितना केजी अधिक मिल रहा है, तो 2 × 2 = 4, 1 × 5/2 ज़्यादा मिल रहा है। पूछ रहा है आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूँ, मतलब कितना गेहूँ खरीद पाता था, कितना खरीद पा रहा था, 7 खरीद पा रहा था, तो 7 = कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35/2, 35/2 का मतलब 17.5, कितना आएगा 17.5। आगे यहाँ पर है 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 14 बॉक्स पैक कर सकते हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति को 18 बॉक्स पैक करने में कितने दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखो 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं, 6 दिनों में 14 बॉक्स बनाते हैं। इसका फार्मूला यदि मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, मैन कितने हैं, उनकी इफिशेंसी कितनी है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, टोटल वर्क के बराबर आते हैं, ठीक है। यदि हम इसको अनुपात में लिखेंगे टोटल वर्क बटे में आएगा TW, यहाँ पर हो जाएगा TW1 M1, ये क्या लिखा था, इफिशेंसी लिखा था, अच्छा ये गुणे का साइन था ना, चलो इफिशेंसी E1 H1 D1 बराबर M2 E2 D2 H2, ठीक है, M2 D2 E2 H2 बटे यहाँ पर क्या होगा TW2, ये फार्मूला था। चलो 7 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं, 14 बॉक्स बना पाते हैं, तो प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए और 14 व्यक्ति काम करें तो कितने दिन लगेंगे, हमने मान लिया 1 दिन लगेंगे, 1/18 कट कर लो, 9 × 2 = 18, 2 × 7 = 14, कितना आएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 2 = 14, 2 × 3 = 1, कितने दिन लगेंगे 3 दिन, एक्स का मान कितना आ गया 3, तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो
आगे यहाँ पर है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की चाल से समान दूरियाँ तय करते हैं। वह कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। समान समान दूरी तय करते हैं और टाइम लगता है 3 घंटे 48 मिनट, तो कुल दूरी कितनी है? देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि 3, 4, 5, 6 से जाते हैं, समान समान दूरी जाते हैं, तो हमने एक दूरी को मान लिया कितना, 6, 5, 30, 60 मान लें। हमने दूरी मान लिया कि भाई दूरी 60 किलोमीटर है, दूरी कितनी किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। तो इसको टाइम कितना लगेगा, 20 घंटे, इसको टाइम कितना लगेगा, 15 घंटे, इसको टाइम लगेगा 12 घंटे और इसको टाइम लगेगा 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 7, 57। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 57 घंटे का। और इसने क्या बोला है कि 3 घंटे 48 मिनट का लगते हैं। 3 घंटे 48 मिनट में कितना मिनट हो जाएगा, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 48 मिनट और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8, 8, 4, 12 की 2, 1, 1, 1, 2, 228 मिनट। कितना, 228 मिनट। तो यहाँ पर कितना किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर। 60 की वैल्यू कितना आएगा देख लो, यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई ना, 1 की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। तो इसने क्या पूछा है, कितने मिनट लगेंगे 60 किलोमीटर पर, इसने दूरी पूछा है, तो दूरी कितनी है, 60 है ना, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 4 और 60 × 4, यहाँ पर 4 आया ना, और यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 60, क्योंकि हमें मिनट बनाना पड़ेगा, ये टाइम है ना, ये 4 मिनट आया था ना, 4/60 हमें घंटे में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से 60 से 60 कट गया, कितना आ गया, 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से चलाएं, और 4 किलोमीटर ये भी चलाएं, 4 किलोमीटर ये भी चलाएं, 4 किलोमीटर ये भी चलाएं, तो 4 × 4=16, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है कि 644 की धनराशि 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग कितना होगा। अभी हमने बताया है कि कभी भी अनुपात बटे में नहीं होते हैं, तो इसका क्या करो, आप लोग एलसीएम ले लो, सिंपल से काम, 2, 3 और 4 का, ये 2, ये 3 और ये 4 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 12। अब 12 का ऊपर गुणा कर दो तो 12/2 आएगा अनुपात, 12 × 2=24/3 आएगा अनुपात, 12 × 3=36/4 आएगा, कट जाएगा, तो 2 × 6=12, 3 × 8=24, 4 × 9=36 कट गया, ये आ गया। टोटल धनराशि कितनी, 644 जोड़ो, या 9, 8, 17, 3, 20, 3, 23, 23 बराबर कितना हो गया, 644। तो पूछ रहा है पहला भाग बता दो, 6 की वैल्यू बता दो। देखो 23 × 69 होता है ना, 23 × 2=46 और 23 × 8, ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 28 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 28 × 6 करेंगे तो 6 × 48 = 8, 4 × 6 = 12, 4 = 16, 168 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने इसको कैसे काटा, ये लगभग में तो हमें आंसर पूछ नहीं रहा, एग्जैक्ट पूछ रहे हैं, तो दशमलव का कोई लफड़ा है नहीं। तो हमने कहा कि 23 × 2=46, 23 × 69 जा रहे हैं, तो 64 से ज़्यादा हो जा रहा है, कितना 64 से ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब 2 ही बार जाएगा, और लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये लगभग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 लास्ट में कहाँ पर आएगा, ठीक है, 3 × 8=24, 8 बार में आ जाएगा, तो ये लगभग 28 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। आगे एक घनाभ 3 संलग्न फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कम से 5 cm², 16 cm² और 20 cm² है, घनाभ का हमें आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो यदि हम इसको मान लें, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, हमने मान लिया कि दी है 5, ठीक है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हमने मान लिया दिया है 16, और ऊंचाई इंटू लंबाई मान लिया एल इंटू एच मान लिया दिया है 20। क्या पूछ रहा है, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये हमसे पूछ रहा है। चलो यदि हम इन सभी का गुणा कर दें तो एल एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, बी 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 सभी में है, एल इंटू बी बी इंटू एच, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखो बी है, यहाँ पर बी है, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ एच है, यहाँ एच है, कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर मुझे कितना आएगा, 5 × 16 × 20। अब देखो इधर सारा स्क्वायर लगा, ये सारा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, 16 से बाहर आएगा तो आएगा 4, 20 × 5=100 होता है, 100 अंडर रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 10, तो 40 दाम में कितना हो गया, 10 × 4 कितना हो गया, 40 cm³ अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर बॉर्ड मास रूल का है, इंपॉर्टेंट है बॉर्ड मास रूल, ठीक है ना। चलो करें स्टार्ट करें, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 15 × 90 कितना होगा, गुणा कर लेंगे, 15 × 9=135, 135 × 4=139, तो 139/15
डिवाइड, अच्छा सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ पर कितना है 6 × 5 = 30 लिख लो, भागे 7/8, ऑफ को लिख लो, ऑफ लिख लो, यहाँ पर 6 × 5 = 30 एक 31/5, कितना है 31/5, हर समान है ना, 5 है का 31/5 हर समान है, 5 × 3 = 15 तो 17/5 प्लस का 17/5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हर समान है दोनों जोड़ लो, 7 × 1 = 8 कितना होगा, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 3 × 1 कितना हो गया 4, 48/5, तो यहाँ पर कितना आएगा 48/5 माइनस का साइन है, 126 इसका एलसीएम आएगा, पता है कि 21 × 6 = 126 हो जाएगा, और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, 12 × 1 कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे 139/15, भाग का साइन गुड़े में चेंज हो जाएगा, इसको कट कर लो 8 × 6 = 48, ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, ऐसे लिख लो 7 × 6 ही लिखो, ऊपर कितना जाएगा 5, माइनस का कितना हो जाएगा 12 × 13/126, कितना हो जाएगा 13/126, देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15 कट गया, और ये 7 से कटेगा क्या, 7 × 9 = 7, 6 नहीं कट पाएगा, 3 से 9 × 3 = 12 × 1 = 13 कटेगा क्या किसी से, 46 × 4 = 2 × 2 = 3 एलसीएम ले लो, क्या करो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 126 आ जाएगा, नहीं कट रहा क्या करोगे, अब इसको ये 3 से कट करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 = 42 बार में, और अच्छा ये भी तो है 6 × 7 = 42, 42 × 1 = 26, ऊपर तो 126 मिल ही गया ना, ऊपर बचा कितना 139 − 13 घटाओ इसको कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 126/126 कट गया, कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ राइट हो जाएगा, आगे चलते हैं, यहाँ पर है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं x और y का अनुपात 4:7 है, यदि x में 6 जोड़ा जाए और y में 7 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, x और y के बीच में अंतर ज्ञात करना, देखो x अनुपात y दे रखा है 4:7, हमने क्या किया इनको अनुपात में सार्वानुपात हमने a मान लिया, तो एक संख्या मान ली 4 है, दूसरी संख्या मान ली 7 है, इसमें 4 में क्या किया जा रहा है 6 जोड़ा जा रहा है और 7 a में से क्या किया जा रहा है 7 घटाया जा रहा है, बराबर में कितना हो रहा है 3/4, गुणा कर लो 4 × 16 + 6 × 24 = 7 × 21 − 21, ये हो जाएगा 21 को तुम इस साइड ले और 16 को इस साइड भेज दो तो 21 कितना हो जाएगा 4 × 5 = 2 × 2 = 4 45 हो गया, बराबर इधर से आएगा 5 से कट जाएगा 5 × 9 = 45 तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया यहाँ से 9, ए बराबर अगर 9 आ गया, x और y के बीच अंतर ज्ञात करना है, अंतर कितने का आ रहा है 4 और 7 के बीच में 3 a का अंतर, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 9 + 3 कितना हो गया 27, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे हो जाएगा कि राधा अपनी आय से 28% का बचत करती है, यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, हमने कहा कि मान लो वो 100 रुपये कमाती है तो उसने 28 रुपये की बचत कर ली, 100 में 28 की बचत की मतलब 72 रुपये उसने क्या कर लिया खर्च कर दिए, 72 रुपये उसने क्या किया खर्च कर दिया, अब क्या हुआ उसके व्यय में 25% की व्यय हो जाए, 25% मतलब 100 की मान लो पहले 100 खर्च करता था अब 125 खर्च कर रहा है, फ्रैक्शन देखेंगे तो 5/4 की वृद्धि हुई है, क्या हुआ है 72 से 5/4 बढ़ गया है, तो 4 से 72 कट करेंगे 18 आएगा, 18 × 5 = 90, मतलब पहले वो 72 रुपये खर्च करता था तो अब कितना खर्च कर रहा है 90 रुपये, और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो 28 रुपये पहले बचाता था 30% की वृद्धि हो गई तो 130/ यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 से काट लो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, ये कितना हो गया 13 × 52 की दो हासिल 5 × 13 = 13 × 14 = 15 × 16 = 17 × 18 182/5 कट कर लो इसको 182/5 तो 5 × 3 = 15 = 32 5 × 6 = 30 2 = 20 5 × 4 = 20 36.4 रुपये बचाती है, तो इसकी आय में कितनी वृद्धि हुई इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 126.4, तो देखो पहले आय इसकी कितनी थी 100 रुपये अब कितनी हो गई है 126.4 बढ़ा कितना है 26.4%, क्लियर है ना, आगे चलते मतलब इसको और इसको जोड़ लिया हम 90 और 36.4 को ऐड किया है ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर है
कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10,500 की धनराशि एक्स परसेंट वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है, ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर 2x% की वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पर है 10,500 की धनराशि। देखो 10,500 की धनराशि में हमें मिल रहा है 12,750, ठीक है, और ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो हम लोग यहाँ पर अंडर रूट निकालेंगे। अगर 3 वर्ष का होता तो हम यहाँ पर क्यूब रूट निकालते हैं सिंपल से, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो रहा है एक्स परसेंट, यहाँ से आपको मिल जाएगा, कट कर लो इसको, जीरो से जीरो कट कर, जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 से कट कर लो, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, ऊपर कट करो, 25 पंचे 125, 25 3 75, ठीक है, ये किससे कटेगा, वो सही कटा है ना, 25 पंचे 125, 2 25, अच्छा ये एक बार में कटेगा ना, चलो इसको कट कर लो, कितने से कट होगा, 17 15 18 19, कट कर लो, 3 से कट कर लो, 3 9 3, 3 4 12 14 3 42, 17 3 51, ये हो जाएगा ना 14/17, 25 चौके 100, 25, गलत कर रहे हैं क्या कहीं पर, एक मिनट रुको मैं इसको सही से लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो 10,500 में से कितने में से 10,500 रुपए में से 12,705 रुपए इसका मिश्रधन आता है। अगर इतना मिश्रधन आता है, यदि मैं आपसे बात करूं कि ब्याज कितना आता है, तो 10,705, तो आप लोग घटा लो 10,705 से, और 10,500 घटा दो, सॉरी 12,705 इससे इसको घटा दो, कितना आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब 2205 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। कितने का इसमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा, 2205 रुपये का, इसमें लिखो 2205, ठीक है, कितने का ब्याज प्राप्त हो रहा है हमें, 2205 रुपये का, तो 10,500 में कितने का ब्याज प्राप्त हुआ, 2205 रुपये का, और 2 वर्ष का इसका अंडर रूट निकाल लो, तो देखो इसको 5 से कट कर लो, ठीक है, 5 से कट कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 20 हो गया, 5 चौके 20 और 5 एक 5, कितना हो गया, 441, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक 5, ये हो जाएगा 21, 21 एक 21, 21 से ये पूरा कट जाएगा ना, 21 के स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा 21, तो कितना आ गया, 21/100, अगर 100 में 21 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, 121 हो जा रहे हैं, अंडर रूट हम लोग लगाएंगे तो 121 कितना होता है, 11 का, 100 कितना होता है, 100 कितना होता है, 10 का होता है, 10 में 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, परसेंटेज के लिए कितना है, 100 कर देंगे तो 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा, 110 ना, मतलब 10% का ब्याज लग रहा है इस पर, कितना 10% का टोटल ब्याज कितना लग रहा है, 10%। अब ये 10% का कह रहा है कि 10% का ब्याज जो है अब अर्धवार्षिक रूप से लगेगा, अर्धवार्षिक लगेगा तो 10/2 कर दो, मतलब 5% अर्धवार्षिक लगेगा, ये कह रहा है ब्याज की दर को 2x% कर दो, तो जैसे 2 गुना करेंगे तो 5 गुना क्या लगेगा, अगेन ये 10% लग जाएगा, ठीक है। 10% ब्याज आपको कितने दिन तक लगाना है, मतलब 3 बार लगाना है, कितने बार, 3 बार, अगर मैं 10% को 3 बार लगाता हूँ तो 10 से ब्याज कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, 3 बार लगा दें तो क्यूब कर देंगे हम लोग, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, और ये वाली यदि हम राशि देखें तो कितनी है राशि, 10,500 ना, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट 10,500 रख दो, मतलब 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 10,500, 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 10,500। तो आपको ब्याज निकालना है या मिश्रधन निकालना है, यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर मिश्रधन निकालना है तो आपको 1331 की वैल्यू पूछ रहा है, 1331 की वैल्यू कितनी होगी, दो जीरो पे दो जीरो कट गए, ये कितना हो जाएगा, 105/10 गुणे 1331। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। अब आपको केवल इतने का गुणा करना है, क्या करना है, इतने का आपको गुणा करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का जो औसत हो रहा है वो हो रहा है 43.8, अंतिम 17 संख्याओं का औसत है 55.3। तो 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो अब इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। हमने मान लिया कि पूरा औसत हो रहा है 49, क्या मान लिया पूरा औसत हो रहा है 49। अब ये 21 संख्या का औसत कितना है, 43.8 है ना, देखो कितना कम है 49 से, 49 से सर ये कम है 43.5, कितना कम है 5.2। अगर 21 संख्याओं का औसत हमने माना कितना है, टोटल 49 मान लिया ना, कितना कम है 5.2, टोटल हम इसमें 21 का गुणा कर दें तो कितना कम हो जाएगा, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 पंचे 105 और 4 कितना हो जाएगा 109, तो 109.2 इतना कम है योग। अगर मैं 17 संख्याओं का औसत देखूँ 55.6, हमने माना कितना है 49 मान लिया ना, 49 से देखो कितना ज़्यादा है, ये सर ज़्यादा है 6.6, और कितनी संख्या है 17 का इसमें गुणा कर दो, 17 का हो जाएगा 102 की बचेगी यहाँ से 10, 17 का 102 यहाँ हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112, मतलब 112.2 रुपये, ठीक है, इतना यहाँ पर प्लस हो रहा है, इतना यहाँ पर प्लस कर दो 112.2, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 3 का। अब ये वाली संख्या को हमें हटा देना है ना, तो 49 से इसको हटा दो और ये कितने में बढ़ जाएगा, एक लोग तो चला गया ना, अब ये बढ़ जाएगा 36 में, कट कर लो, 3 से कट हो जाएगा 12 बार में, 1/12 आएगा, तो 49 माइनस ये आएगा 0.08, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 48.92, हमें दशमलव के एक स्थान तक जाना है ना, तो 48.9 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर तो एक रेलगाड़ी ए से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आती है, कुल इसको टाइम लगता है 14 से 2/3 घंटे का, तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी। देखो 90 की स्पीड से जा रही है, 75 की स्पीड से आ रही है, दूरी तो सेम ही है ना, तो इसका यदि ये स्पीड है तो टाइम का अनुपात देख लें, कट कर लो, 15:6 का 90:6 इधर आएगा, विपरीत होता है ना, 15:75, टोटल अनुपात कितना आ गया 5:6 का, तो 5, 6 और 6 कितना हो गया, टोटल टाइम 11 लग रहा है ना, 11, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 14 * 3 = 42 = 44, 11 की वैल्यू है 44/3 घंटे, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 11 * 4 = 44, 5 की वैल्यू आएगी 5 * 4 = 20/3, स्पीड कितनी है 90, टाइम लग रहा है इसको 20/3 का, दूरी मालूम चल जाएगी हमें 30 * 3 = 90 और 30 * 2 = 60, कितना आ गया 600 किलोमीटर, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा, यदि इसने 70 अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ प्राप्त होता, सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है 10.5% का लाभ, ठीक है ना, इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है 10.5% और 14%, 3.5%, तो 3.5% का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 70 रुपये, कितना हो गया 70 रुपये, यदि मैं यहाँ से 10% निकाल, अच्छा ये 10.5 पे बेच रही है ना, चलो यदि मैं यहाँ से 1% निकालूँ तो 35 * 70 एक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, देखो ना ये हो जाएगा 35 * 70 कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी और यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000, मतलब ये सूट कितने में था 2000 का था, इसने लाभ कितना कमाया 10.5%, तो इसका 3 गुना होता है ना, 3.5 का 3 गुना कितना होता है 10.5, तो इसका 3 गुना हम लोग कर लेंगे, 7 * 3 = 21 कितना हो जाएगा 210 इधर आ जाएगा, तो 100% तो ये हो गया, 10.5 ये हो गया, कितना हो गया टोटल लाभ 110.5, इसको जोड़ लो, ये 2000 है और ये 210 है, कितना हो गया 2210, तो इस सूट का जो विक्रय मूल्य पहले वाला है वो कितना हो जाएगा 2210 रुपये, ठीक है ना। आगे है कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के कुल वैध मतों का 5:4 के अनुपात में व्रत मतलब मत प्राप्त हुए, ये सीमा को यदि 4 मत प्राप्त हुए हैं तो गीता को मत प्राप्त हुए हैं 5, अब ये वैध मत प्राप्त हो रहे हैं, क्या वैध मत प्राप्त हो रहे हैं, टोटल 15,000 मतों का 19% मत है, यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, मतलब वैध मत कितने हैं 81%, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े वैध मतों के बीच का अंतर कितना है, देखो टोटल इनको मत कितने मिल गया 5, 4, 9, 9 मत मिले ना, 9 का मतलब है यहाँ पर 81%, ठीक है ना,
तो यहाँ पर 20 का अंतर पूछ रहे हैं ना, अंतर कितने का आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 9%। तो 15,000 का 9% हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, कितना आएगा, 1350। मतलब इनको, इनके बीच का जो अंतर आया है ना, वो 1350 मतों का अंतर आया है। सिंपल से कर लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन ये है कि मधु ने 1470 रुपए में 35 किलो चीनी खरीदी, उसने इसे बेचा और विक्रय मूल्य में हुई हानि 5% चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। देखो हानि कितनी हुई है, 5% विक्रय मूल्य, मतलब सॉरी 5 किलो चीनी ग्राम के विक्रय मूल्य पर, ठीक है ना, 5 SP की इसको हानि हुई है। ठीक है, जितना 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य है उतना इसको हानि हो गई है। अच्छा, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, मतलब जब क्रय मूल्य से कम में सामान बेच देते हैं। तो यहाँ पर 5 CP माइनस 5 SP, ये हो जाएगा, ये होगा ना। और यहाँ अच्छा, इसको जो हानि हुई है वो हुई है 5 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर। टोटल इसने चीनी कितनी खरीदी थी, 35। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 CP माइनस 35 SP, और इसको हानि कितना हुई है, 5 SP का, या 5 सेलिंग प्राइस का। तो ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा, तो 35 × 5 कितना हो जाएगा, 40 सेलिंग प्राइस बराबर 35 कॉस्ट प्राइस। तो यदि हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस अनुपात आएगा 35/40। अगर मान लो 40 रुपये खरीदती है, 40 रुपये प्रति किलो खरीदती है और 35 रुपये प्रति किलो में ये बेच रही है, यहाँ पर इसका रेट कितना है। यहाँ पर देखो 35 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 147, कितना, 147। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, मतलब 1740 ना, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, देखो 7×5 35, 7×2 14, 7×91 7, 0 5 से इसको काट लेंगे, 5×4 20, 5×2 10, 42 रुपये, कितना आएगा, 42 रुपये इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो 40 की वैल्यू कितनी है, 40 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 42। तो पूछा क्या जा रहा है, 35 की वैल्यू, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42×40×35। अब यहाँ पर कितने किलोग्राम चीनी ली जा रही है, 8 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग 8 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, कितना आ गया, 42×7। 42×7 करिए कितना होगा, 7×2 14 की 4, 7×6 28 1, 29, कितना आ गया, 294। तो 294 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर है कि एक वस्तु को 157.50 में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। अच्छा देखो, 12.5% की यदि मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो ये होता है 1/8। 12.5% मतलब 25/2, परसेंटेज हटेगा बटे में 100 होएगा, तो 25×4 100 कितना हो गया, 1/8 ही तो होगा। अब देखो 1/8 का लाभ होता है, अगर 8 रुपये की सामान है, 1 का लाभ हुआ है तो 9 में बिका है, ठीक है, तो 9 में बिका है तो इसने वस्तु कितने में बेची, 157.50 में, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 157.50, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 9×91 = 9, 67 हो गया ना, 9×7 = 63 और 9×5 = 45, 17.5 रुपये। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर दो, 8×5 = 40 की 0 हासिल 4, 8×7 = 56, 4×60 की 0 हासिल 6, 8×91 = 8, 8×6 कितना हो जाएगा, 8×6 = 14, कितना हो गया, 140 रुपये, कितना हो गया, 140 रुपये इसका कास्ट प्राइस है, 147 में बेच रहा है, मतलब 7 रुपये का फ़ायदा ले रहा है, किसमें में से, 140 में से, परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 7×2 14 हो गया, 2×5 = 10 हो गया, अपना 5% यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना, तो हम लोग इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि आप कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस ये वाली क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर देना इसे, और कमेंट में कमेंट कर देना क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जय हिंद, और मिलते हैं हम लोग कल एक नए सेट के साथ।